हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नोहरा। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे ना, या फिर मुझे भूल गए। देखो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक बार फिर एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में ना इमॉर्टल भैया ने हमें दिया है एक चैलेंज कि हमें क्लाइम करना पड़ेगा जायंट रोबोट पे। अगर हम जायंट रोबोट पे क्लाइम करते हैं ना सक्सेसफुली, तो वो हमें देंगे फ्री का नियोन आर्मर। तो चलो दोस्तों, ये चैलेंज बस मेरे लिए है, तो ये मत सोचना कि आप लोगों को भी मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि आज मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता हूँ या फिर नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना, मैंने दिया है चैलेंज शिनचैन को कि वो जाकर क्लाइम करे प्लेग्राउंड के जो जायंट रोबोट है उस पे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शिनचैन जायंट रोबोट के टॉप तक क्लाइम कर पाएगा? अगर शिनचैन जायंट रोबोट के टॉप तक क्लाइम कर जाता है तो मैं आज उसे गिफ्ट करने वाला हूँ नियॉन आर्मर। आपको तो पता है ना दोस्तों, नियॉन आर्मर एक बहुत ही अच्छा आर्मर है। तो अभी देखना यही है कि शिनचैन जायंट रोबोट पे क्लाइम कर पाता है या नहीं। अगर आप वीडियो पे आ ही चुके हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि इसके आगे आज की वीडियो में ओनली शिनचैन ही आपसे बातें करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, देखो ना, मैं आ गया हूँ एक बार फिर। इमॉर्टल भैया ने हमें ये तो नहीं बोला था ना कि हम पावर अप को यूज नहीं कर सकते? तो चलो दोस्तों, हम यहाँ पे पावर अप ले लिए हैं और अभी से जल्दी से हम लोग पी के चलते हैं जायंट रोबोट के ऊपर, और उसके बाद लेते हैं इमॉर्टल भैया से अपना नियॉन आर्मर। आपको तो पता ही ना दोस्तों, देखो ना, मैं तो बार बार नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार तो मैं क्लाइम करके ही रहूंगा और ले लूंगा इमॉर्टल भैया से ही नियॉन आर्मर। देखिए दोस्तों, मैंने तो एक ही बार में यहाँ पे जायंट रोबोट को क्लाइम कर दिया है। ये तो बहुत ज्यादा इजी था। इमॉर्टल भैया, कैसा लगा बताओ ना? आपको क्या लगा था कि मैं क्लाइम नहीं कर पाऊंगा? अभी तो आपको देना पड़ेगा नियॉन आर्मर मुझे। मैं तो देखो कितनी आसानी से क्लाइम कर चुका हूँ जायंट रोबोट पे। तो दोस्तों देख ही सकते हो, यहाँ से तो हमें पूरा का पूरा पीके। ये तो दिन भी हो गया, चलो इमॉर्टल भैया अभी तो डे भी हो गया है, चलो जल्दी से मेरा नियॉन आर्मर निकालो। दोस्तों, मैंने तो शिनचैन को ये सोचकर चैलेंज दिया था कि शिनचैन इस चैलेंज को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा और मुझे शिनचैन को नियॉन आर्मर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन शिनचैन ने तो इसे एकदम इजीली कंप्लीट कर लिया है। अभी तो हमें शिनचैन को देना पड़ेगा एक ब्रांड न्यू नियॉन आर्मर। तो चलिए शिनचैन के लिए चल के बाय करते हैं एक ब्रांड न्यू नियॉन आर्मर। दोस्तों, मैंने तो सोचा था कि मैं ये चैलेंज आप लोगों को भी दूंगा, लेकिन अगर शिनचैन ने इतनी आसानी से इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है तब तो आप लोग तो और इजीली इसको कंप्लीट कर लोगे, इसलिए मैं अब किसी को भी ये चैलेंज नहीं देने वाला। तो चलिए जल्दी से बाय कर लेते हैं एक नियॉन आर्मर। वाह दोस्तों वाह, अभी तो हमें मिलेगा नियॉन आर्मर। दोस्तों, हमें तो ये सब पिंक पैक नहीं चाहिए इमॉर्टल भैया, हमें चाहिए बस अपना नियॉन आर्मर। हमें अपना नियॉन आर्मर दे दो, उसके बाद तो हम उसे क्रेजी रन में जाकर टेस्ट करेंगे, है ना दोस्तों? दोस्तों, आपको कैसा लगता है नियॉन आर्मर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? मैं चलो यहाँ पे बाय करता हूँ 340 जेम्स का एक नया नियॉन आर्मर। चलो दोस्तों, इसको कर लेते हैं बाय, वो भी तुरंत के तुरंत, और देखते हैं कि नियॉन आर्मर कैसा दिखता है। क्या आपने कभी नियॉन आर्मर गेम के अंदर देखा है, या आपके पास ये आर्मर है तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है? चलो मैं इसे जल्दी से पहन लेता हूँ और चलता हूँ क्रेजी रन की ओर, उसके बाद ही तो मजा आएगा ना दोस्तों। चलो देखते हैं कि इसका हेड वेट सब कैसा है। अंदर चलो भाई, ये स्क्रीन ब्लैक क्यों है? हाँ देखो आ गया है ये। यहाँ पे पहले हम इसका हेड पहन लेते हैं। नहीं, हेड नहीं पहनेंगे हम, तो पहले बस इसका बॉडी ही, मतलब बस इसका आर्मर ही पहनेंगे दोस्तों। चलो पहन लेते हैं एकदम जल्दी से जल्दी। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, शिनचैन ने यहाँ पे बाय करवा लिया है मुझसे एक नियॉन आर्मर। तो अभी देखना यही है कि ये नियॉन आर्मर आखिर इसका यूज कैसे होता है। मुझे तो इसमें कहीं पे भी डैश एबिलिटी का बटन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शायद ये इसमें स्पीड ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, मतलब इस पे हमें कोई सा भी बटन क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्पीड है वो खुद से इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हम इस आर्मर के बॉडी को पहनते हैं। तो चलिए अभी इसे लेके जाने का टाइम आ चुका है क्रेजी रन पे, तो चलते हैं क्रेजी रन की ओर और देखते हैं कि शिनचैन, मतलब अगर शिनचैन क्रेजी रन में फर्स्ट आ गया
किसी भी रैंडम बंदे से तो मैं उसको और 500 जेम्स दूंगा, और अगर वो नहीं आ पाता है तो मैं उसे कुछ भी नहीं देने वाला दोस्तों। तो देखिए शिनचैन यहाँ पे आ चुका है क्रेजी रन पे। तो शिनचैन क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम यहाँ पे विन कर पाओगे क्रेजी रन, या फिर तुम हार जाओगे क्रेजी रन में और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्या तुम्हें ये चैलेंज, एक और चैलेंज मंजूर है? लेकिन दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि रेस इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों जब तक रेस प्रोग्रेस में है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार ही सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आई होप कि वीडियो पे 500 लाइक्स तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। सो लेट्स गो और स्टार्ट करते हैं बिना भी किसी देर के क्रेजी रन को, क्योंकि क्रेजी रन जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो शिनचैन चलो तुम अपने काम पे लग जाओ, और तुम्हारे लिए चैलेंज है उसे भूलना मत। दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्रेजी रन में, और हमारा जो क्रेजी रन है ना वो बस स्टार्ट होने ही वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्रेजी रन की ओर, मतलब क्रेजी रन में तो हम पहले से ही है। देखिए ना दोस्तों क्रेजी रन हमारा स्टार्ट होने ही वाला है, तो हमने प्ले पे क्लिक कर दिया है। वाह क्या स्पीड है नियॉन आर्मर की। दोस्तों मुझे तो लगता है कि मैं ही जीत जाऊंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन जीतेगा, मैं या फिर ये लोग? दोस्तों अगर मैं ये रेस जीत जाता हूँ ना तो मुझे इमॉर्टल भैया 500 जेम्स देंगे, अगर मैं हार जाता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो दोस्तों तो हम लोग स्टार्ट कर दिए है रेस को, और देखिए दोस्तों सबसे आगे हम ही लोग हैं। तो मुझे क्या लगता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, लेकिन आपको क्या लगता है? आपको भी यही लगता है ना कि मैं ही जीतूंगा? चलो चलो शिनचैन चलो जीत ही जाएंगे हम लोग। ये तो बार बार पार ही नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों हमने अपनी स्पीड फिर से बना ली है, और इस बार देखना मैं ही यहाँ पे जीतूंगा इस रेस को। और देखिए मैं बहुत मतलब जीतने के काफी ज्यादा करीब हूँ, लेकिन ये क्या, ये तो मेरे साथ साथ आ रहा है। ये जो बच्चा है ना लगता है ये मेरे को हरा तो नहीं देगा। मैं तो रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया, देखिए वो मेरे ऊपर से पार हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं जीतूंगा तो मैं ही। देखो दोस्तों यहाँ से शायद ये लास्ट है, मेरे को ऐसा ही लगता है। नहीं ये लास्ट नहीं है दोस्तों, मैं तो गलती से नीचे आ गया, और देखिए वो मेरे से आगे है, लेकिन क्या मैं जीत पाऊंगा? मुझे तो लगता है कि मैं ही जीतूंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे पता नहीं, चलो चलो मैं जल्दी से इसे पार कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए ये फर्स्ट आ गया और मैं सेकंड, अभी तो मुझे 500 जेम्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मैं अभी चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।